नमस्ते छात्रों, YouTube चैनल इंडिया ओल्ड एज में एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं। और आज इस वीडियो में हम प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसे जो प्रमुख राजवंश हैं जिनका इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और इन राजवंशों से संबंधित कई टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो हम आपको यहाँ पर तीनों राजवंशों के बारे में पढ़ाएंगे, और वैसे हमने अलग-अलग भी इनके वीडियो बनाए हैं। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, होता क्या है कि 750 से 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और दक्षिण में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होता है। इनमें पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अब जो ये पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश है, इनमें भी राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था, जो अपने समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भी था। ठीक है, देखिए पढ़ते हैं। देखिएगा, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उसके द्वारा प्राप्त की गई उत्तरी भारत की जो एकता वह समाप्त हो गई थी। अर्जुन ने कन्नौज के सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद वांग हान से के नेतृत्व में आए चीनी दूत मंडल का उसने विरोध किया। वांग हान्स ने के साथ आने वाले रक्षकों की या तो हत्या कर दी गई या उन्हें बंदी बना लिया गया था। दूत मंडल की संपत्ति और भारतीय राजाओं द्वारा उसे दिए गए उपहार लूट लिए गए, किंतु रात्रि के समय वांग हांस से को 1200 चुने हुए सैनिक दिए, और उनके अतिरिक्त वांग हांस ने नेपाल से 7000 अश्वारोही प्राप्त करने में भी सफल हो गया। कामरूप के राजा भास्कर वर्मा ने भी उसकी सहायता की और उसने तिरहुत के मुख्य नगर पर आक्रमण कर दिया। वहां की सेना के 3000 सैनिकों की हत्या कर दी गई और 10000 व्यक्ति नदी में डूब गए। अर्जुन परास्त हुआ और बंदी बना लिया गया। वांग हांसे ने 1000 बंदियों का वध कर दिया और संपूर्ण राजवंश को बंदी बना लिया। उसने 12000 व्यक्ति बंदी बनाए और 13000 से अधिक घोड़े, गाय और बैल आदि भी प्राप्त किए। इस युद्ध में 580 प्राचीर नगरों ने समर्पण कर दिया। वांग हाथ से अर्जुन को बंदी बनाकर अपने साथ चीन ले जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, इन परिस्थितियों में उत्तरी भारत में अनेक राज्य स्थापित हो गए। उनमें सर्वोच्चता के लिए संघर्ष होना स्वाभाविक था। इस संघर्ष में 4 राज्यों ने भाग लिया, कन्नौज, कश्मीर, मगध और राष्ट्रकूट वंश। कुछ समय के लिए कन्नौज का प्रतिहार वंश सर्वोच्च बन गया। उनके बाद पाल वंश ने उनका स्थान ग्रहण किया। राष्ट्रकूटों ने दक्षिण भारत के पश्चिम और दक्षिण में अपने राज्य का विस्तार किया था। पाल वंश के पतन के बाद अहिरवाड़ के चालुक्य वंश, जेजाबुद्दी के चंदेल वंश, ग्वालियर के कच्छप घात वंश, दाहाल के चेदी वंश, मालवा के परमार वंश, दक्षिणी राजपूताना के गुहिल वंश और शाकंभरी के चाहमान वंश ने उत्तरी भारत का विभाजन कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 750 से 1000 ईस्वी के मध्य उत्तर भारत और दक्षिण में कई शक्तिशाली साम्राज्यों का उदय होता है। इनमें पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट सबसे महत्वपूर्ण थे। राष्ट्रकूट साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चलने वाला साम्राज्य था, जो अपने समय में सर्वाधिक शक्तिशाली भी था। ठीक है, तो ये कहानी है, ये जो आपके पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंशों के उदय होने की। और अब देखिएगा, इनके बारे में हम आगे और पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहारों के बारे में। तो जो गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, उनके उनका इतिहास में क्या योगदान रहा, इन सब बातों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुर्जर प्रतिहारों की उत्पत्ति। तो देखिएगा, प्रतिहार प्रसिद्ध गुर्जरों की एक शाखा थे। गुर्जर उन मध्य एशियाई कबीलों में से एक थे जो
जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद हूणों के साथ आए थे। इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहारों की का जन्म होता है। अब देखिएगा गुर्जर प्रतिहारों का इतिहास में क्या योगदान था। देखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना 6वीं शताब्दी ईस्वी में हरिश्चंद्र द्वारा की गई थी। वे 11वीं शताब्दी तक प्रभावशाली बने रहे थे। ये कहा जाता है कि उनका उदय उज्जैन या मंदसौर से हुआ था। नागभट्ट प्रथम इस वंश का पहला महत्वपूर्ण शासक था। उसने 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन किया था। उनके साम्राज्य में ग्वालियर, भरूच और मालवा शामिल था। उसके साम्राज्य की राजधानी अवनी थी। ठीक है, अब जो आपका ये है नागभट्ट प्रथम, ये है एक प्रतिहारों का महत्वपूर्ण शासक था। इसका जो उत्तराधिकारी है वो कौन आता है? वत्सराज। अब वत्सराज है ये क्या करता है कि सॉरी, पाल राजा धर्मपाल को हराता है और कन्नौज पर अधिकार स्थापित करता है। वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय उत्तराधिकारी बनता है और ये प्रतिहार वंश का सबसे प्रख्यात राजा बना। इसने 815 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है, तो मतलब जो सोमनाथ मंदिर है इसको 725 ईस्वी में जुनैद के जो अरब सेना है उन्होंने नष्ट कर दिया था। फिर इसका पुनर्निर्माण कौन करवाता है? नागभट्ट सेकंड। फिर क्या होता है कि मिहिर भोज ये प्रतिहार वंश का एक और प्रमुख राजा होता है और ये जो मिहिर भोज है ये एक महान साम्राज्य निर्माता था। इसने गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया था। ग्वालियर में इसने तेली मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ठीक है, अब क्या होता है कि 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहारों की शक्ति में कमी आई थी और उनके राजा भोज द्वितीय को पाल राजा महिपाल प्रथम द्वारा हरा दिया गया था। ठीक है, जल्दी साम्राज्य विघटित हो जाता है और सामंतों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया था। तो ये है आपका गुर्जर प्रतिहार जिसके बारे में हमने आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई हैं। वैसे हमने गुर्जर प्रतिहारों के बारे में अलग से भी वीडियो बनाया, उसमें और भी विस्तृत आपको डिटेल मिलेगी। अब देखिएगा आता है अगला पाल वंश। ठीक है, तो पाल राजवंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल द्वारा की गई थी जो पहले एक मुखिया था लेकिन बाद में बंगाल का राजा बन गया था। वास्तव में वह बंगाल का पहला बौद्ध राजा था। गौड़ राजवंश को उनके गढ़ कामरूप में शिकस्त देने के बाद उसने अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। जब उसकी मृत्यु हुई थी तब बंगाल और बिहार के अधिकांश हिस्से उसके नियंत्रण में थे। बिहार के ओदंतपुरी में एक मठ के निर्माण का श्रेय भी गोपाल को दिया जाता है। गोपाल का उत्तराधिकारी धर्मपाल बना। धर्मपाल ने 770 से 810 ईस्वी की अवधि के दौरान शासन किया था। उसके शासनकाल के दौरान पाल साम्राज्य उत्तर और पूर्वी भारत में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था। उसने गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के खिलाफ एक लंबे समय तक युद्ध लड़ा। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट सेकंड के खिलाफ अपनी शर्मनाक हार के बावजूद वह पाल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बचाने में कामयाब रहा और अपने साम्राज्य को पूरे बंगाल तथा बिहार तक विस्तृत उसने किया था। एक प्रसिद्ध बौद्ध राजा धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन का एक प्रसिद्ध केंद्र था। यह विश्वविद्यालय बिहार में भागलपुर के कहलगांव में स्थित है। धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल बनता है। उसने अपने साम्राज्य को असम, उड़ीसा और कामरूप तक विस्तारित किया। उसके शासनकाल के दौरान पाल सेनाओं ने एक बहुत ही सफल अभियान को अंजाम दिया था। देवपाल के बाद ऐसे राजा सिंहासन पर विराजमान हुए जो बहुत ही कम जाने जाते थे। तत्पश्चात महिपाल पाल साम्राज्य का राजा बनता है। उसने 995 ईस्वी से 1043 ईस्वी तक शासन किया। उसे पाल राजवंश के दूसरे संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। उसने पाल साम्राज्य के सभी खोए हुए प्रदेशों को फिर से हासिल कर लिया था। महिपाल के उत्तराधिकारी कमजोर हो जाते हैं और साम्राज्य पर अपनी पकड़ बरकरार नहीं रख सकते थे।
अब आता है आपका राष्ट्रकूट वंश। ठीक है, तो देखिएगा जो राष्ट्रकूट राजवंश है ये कन्नड़ मूल के थे और इनकी मातृभाषा ये कन्नड़ थी। इस वंश की स्थापना 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग ने की थी। इसने गुर्जरों को हराने के बाद मालवा पर अधिकार कर लिया और इसने कीर्ति वर्मन द्वितीय को हराया और चालुक्य राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। किसने? दंती दुर्ग ने। अब क्या होता है कि दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था, जो एक महान साम्राज्य निर्माता था। कृष्ण प्रथम ने वेंगे के पूर्वी चालुक्यों और गंगों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसे एलोरा की चट्टानों को काटकर विशालकाय कैलाश मंदिर के निर्माण के लिए जाना जाता है। उसका उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय रहा। अमोक वर्ष प्रथम गोविंद तृतीय का उत्तराधिकारी बनता है, जिसका शासनकाल अपने सांस्कृतिक विकास के लिए लोकप्रिय था। उसने जैन धर्म का पालन किया। वह कन्नड़ भाषा लिखित एक प्रसिद्ध पुस्तक कवि राजमार्ग का भी लेखक था। और अमोघ वर्ष प्रथम वह राष्ट्रकूट राजधानी मालखेड़ या मान्यखेड़ का भी वास्तुकार था। अमोघ वर्ष प्रथम का उत्तराधिकारी कृष्ण तृतीय बना था, जिसे पड़ोसी राज्यों के खिलाफ अपने विजयी अभियान के लिए जाना जाता था। उसने तक्कोतम में चोलों के खिलाफ विजय प्राप्त की थी। उसने तंजोर के साथ साथ रामेश्वरम पर भी कब्जा कर लिया था। अमोघवर्ष ने कई मंदिरों का भी निर्माण करवाया था, जिनमें रामेश्वरम का कृष्णेश्वरा मंदिर भी शामिल था। उसकी मृत्यु के बाद राष्ट्रकूटों की शक्ति में कमी आई थी, अर्थात राष्ट्रकूट राजवंश वो भी उसका भी अब पतन स्टार्ट हो गया था। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट राजवंश के बारे में संक्षिप्त रूप से पढ़ाई की है।